दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बवासीर एक कितनी खतरनाक बीमारी है, परंतु हम इसके इलाज के बारे में नहीं जानते। हम अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भागते फिरते हैं और इलाज करा करा कर थक जाते हैं, परंतु आज मैं एक ऐसी देसी दवा बताने जा रहा हूँ जो कि सचमुच ही रामबाण है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो यह लगभग हफ्ते भर का समय लेती है, परंतु एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक देती है। इससे पहले हम यह जान लें कि बवासीर दो प्रकार की होती है, खूनी और बादी। खूनी बवासीर में बस आपके मल के रास्ते से खून आता है तथा इसमें उतना भयंकर दर्द नहीं होता, और बादी बवासीर में कब्ज बनी रहती है, गैस होती है तथा व्यक्ति को अत्यधिक जलन भी होती है। असहाय दर्द के साथ साथ बेचैनी भी होती है और गैस होने के कारण से टट्टी यानी मल कड़ी तथा मोटी आती है और हमारे भीतर गुदा में सूजन आ जाता है और अंदर ही गुदा रहता है, यानी वह बाहर निकल नहीं पाता है, जिससे मल कठिनाइयों से बाहर आता है और इसमें खून भी लग जाता है। अगर बवासीर ज़्यादा पुराना हो तो वह भगंदर का रूप भी ले लेती है। इस भगंदर में पखाने के रास्ते से जो गुदा होता है वह फट जाता है और उसमें छेद हो जाता है, और छेद होने के साथ साथ कई बार तो व्यक्ति को ज़्यादा पुराना होने के बाद इसमें से जो छेद होता है यानी गुदा के बगल में जो छेद होता है उसमें से भी आपका मल यानी टट्टी आने लगता है और व्यक्ति को असहाय पीड़ा होती है, और इतनी असहाय पीड़ा होती है कि वह कभी कभी पखाने करते समय ही बेहोश हो जाता है। और अगर यह बादी बवासीर ज़्यादा पुराना हो तो यह कैंसर का भी रूप ले लेती है। तो दोस्तों, आप इसे जल्द से जल्द इलाज करवाएं ताकि यह आपको ज़्यादा परेशानी न दे सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताता हूँ इस बादी और खूनी यानी दोनों बवासीर के लिए एक रामबाण इलाज, जो कि यह इलाज पुराने ज़माने की थी मगर अब यह धीरे धीरे लुप्त हो रही है, यानी अब ये नए जनरेशन में नए लोग बस अंग्रेजी दवाइयों के पीछे भागते हैं, जिसके कारण यह लुप्त हो चुकी है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि आपको सुबह सुबह खाली पेट आधा नींबू और एक ग्लास दूध लेना है, और नींबू को पहले आप ग्लास में पूरा निचोड़ लेंगे, उसके बाद पहले आपको नींबू पीना है, तत्पश्चात उसके बाद आपको तुरंत ही दूध पीना है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, पहले नींबू पीजिएगा निचोड़ा हुआ, उसके बाद आपको दूध पीना है। यह क्रिया आपको सुबह सुबह मल मूत्र त्याग कर और खाली पेट ही करना है। अगर आप खाली पेट करते हैं ऐसे, कम से कम आपको हफ्ते भर यह क्रिया अपनाते हैं, तो आप हफ्ते भर के बाद बहुत ही चमत्कार देखेंगे कि जो आपकी पुरानी बवासीर है वह अपने आप ही ठीक हो जाएगी। वैसे तो नींबू को अगर दूध में निचोड़ा जाए तो दूध फट जाता है, परंतु इसमें निचोड़ कर दोनों एक साथ मिलाकर नहीं पीना है, यानी पहले आपको नींबू को पीना है, उसके बाद तुरंत बाद दूध को पीना है, ताकि वह पेट में जाके अपना प्रक्रिया जारी कर सके। और अगर आप ऐसा मात्र हफ्ते भर करते हैं तो आपका कितना भी पुराना से पुराना बवासीर हो, यानी खूनी बवासीर हो या फिर बादी बवासीर हो, वह ठीक कर देता है। तो दोस्तों, यह था बवासीर का रामबाण इलाज। मात्र आपको हफ्ते भर करना है और धीरे धीरे आपका बवासीर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अब हम यह जान लेते हैं कि आखिर में बवासीर होता कैसे है।
कई लोगों का मानना है कि खट्टा चीज यानी अचार जैसे पदार्थ खाने से भी बवासीर होता है, तथा गैस ज्यादा पुराना हो यानी कब्ज, गैस ज्यादा पुराना हो तो इसमें भी आपको बवासीर हो सकता है। इसीलिए अपने पेट को खुश रखें, स्वस्थ रखें तथा समय समय पर मल त्यागते रहें। यानी कुछ लोग होते हैं कि 2 दिन 4 दिन 3 दिन तक मल को पेट में रखते हैं, यानी वह जल्दी निकालते नहीं, जिससे मल कड़ा हो जाता है और वह निकलने में दुखदाई होता है। तो दोस्तों, आपको इसमें अपना पेट को खुशहाल यानी स्वस्थ रखना है समय समय पे, और सुबह जब भी जाएं तो गर्म पानी पी के ही जाएं पखाना करने, जिससे मल निकलने में आसानी हो जाती है। तो दोस्तों, यह था बवासीर के बारे में जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करें, तथा साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।